हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अनयूजुअल नाम है और कॉमेडी से लवलअप होने ही वाला है, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और मुझे लगता है कि जब फिल्म देखेंगे लोग, आप लोग देखेंगे, तो हम लोगों ने कोशिश यही है कि आप लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरें और लोगों को पसंद आए। और फिल्म हम लोगों ने ऐसे ही बनाने की कोशिश की है सब लोगों ने, कि जहाँ पूरा परिवार आके अपना फिल्म देखे और जिसे कहते हैं कि फुल एंटरटेनमेंट हो और पूरा जिसे कहते हैं पैसा वसूल फिल्म, मनोरंजक। हाँ मतलब उस तरह से ये है कि अब फिल्म है तो उसके अंदर हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं प्रकाश, जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स जो नाम का एक बिजनेस चलाते हैं, जाहिर सी बात है यंग हैं, उनका दिल भी जैसे है, उसके दिल में भी जो है बिजली की तरंगों जो इलेक्ट्रॉनिक उनका भी धड़कती हैं, तो उसमें उसके भी अब रोमांटिक धड़कने भी दिखेंगी आपको ज़रूर। मैं उनका एक फ्रेंड हूँ, पड़ोसी हूँ, जो थोड़ा सा शौकीन मिजाज है और उसको जो है थोड़ी सी जिसे कहा जाएगा रोमांटिक से ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वैसी वीडियो फिल्म देखने का शौक है तो वो वीडियो फिल्में जब कभी अटक जाती हैं जो नहीं चलती हैं तो इसका सहारा लेना पड़ता है उसको। कई बार ऐसा भी होता है बीवी घर में होती है और वो अटक जाती हैं, तो ऐसे जगह पर अटक जाती हैं जहाँ उसे एमरजेंसी में इसकी मदद लेनी पड़ती है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। तो दोस्त है उसका, तो उसकी हेल्प करने के लिए रात में भी आना पड़ता उसको, तो ऐसा कभी कभी। नए साल के साथ आपने एक फिल्म का आपने अनाउंसमेंट कर दिया, आने वाली आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? आने वाली फिल्मों में है दिल जो न कह सका, एक वो भी एक लव स्टोरी है विद यंगस्टर्स है न्यू कमर्स, फिर एक फिल्म है टी फॉर ताजमहल जो कि थोड़ी सी ऑफबीट फिल्म है जिसे कह सकते हैं थोड़ी सी विद अ फिल्म विद अ मैसेज, ऐसी फिल्म है, दो तीन फिल्में हैं जो आने वाली। थैंक यू सर। थैंक यू।